वैसे वो आदमी कुछ कह रहा है आपसे। किधर? कितना हुआ? अरे चंदू, सेठ का पैसा बोलो नी। साहब का 5 रुपए लेना। शुक्रिया। हाँ बोलिए साहब, क्या खाओगे? खाने में क्या है? खाने में गुर्दा, केमा, कुरमा, कलेजी, पाया, चाप, चोकरोज, बिरयानी, बुना कुछ, मच्छी, बदकरी, मठमा, वटोचा, चापनो, चिकर, उसलपा, मिसलपा, भजापा, बनरस, इडली वाला सांबर, दही वड़ा, भेलपुरी, पानी पूरी, गुर्दा। बस बस, क्या भिखारियों की होटल है। एक काम, दो दो प्लेट सब लेकर आ, और 4 मुर्गी ला, और 18 रोटी लेकर आ। 18 रोटी? क्यों, तेरे बाप का खाता हूँ क्या? मेरे मुंह से खाऊंगा, मेरे पेट में जाएगा, है ना? तो तेरे बाप का क्या लगता है? क्या वैसा कुछ घूम गया है क्या जी? वो बटाटा वाला उधर गिरा है शायद। वो आदमी के पैर के पास जाके देखो तो। स्टार्ट हुए कम से कम 3 दिन के बाद खाना खाया है। क्या खाने में आके लेटेगा क्या? चोर साला। किधर से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। अबे क्या कर रहा है यार? अबे यार, बचपने की डकार आज निकली है। जिंदगी में पहली बार तो असली खाना खाया, खत्म हो गई जल्दी। अबे अब मैं क्या करूं? भूल गया क्या? जैसा प्लान बनाया था वैसा कर। रिपोर्ट समझा। अरे चंदू, चेट का पैसा बोलो नी। 25 रुपए लेना। एक 25 रुपया निकालो नी साई सेठ। ले लो ले लो। अरे किधर से ले लो? कैसा ले लो यार? अभी अभी जो 30 रुपया दिया था उसमें से 25 ले लो, 5 वापस दे दो। अरे बहना चरिया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? अरे तेरी ऐसी की तैसी। अरे तेरी वैसी की वैसी। तू 420 है, तू 840 है, तू 1680 है, तू 3280 है, तू 3280। आगे कितना होता है? आगे मेरे मालूम नहीं, लेकिन हम तुमको छोड़ेगा नहीं, पैसा लेकर रहेगा। अरे मैं भी अपना पैसा लेकर रहूंगा। ये सब क्या लफड़ा है? हवलदार साहब, ये सेठ बेईमान है। मैंने इसको 30 रुपए दिए, मेरे 5 रुपए वापस नहीं कर रहा। अरे खुलेआम कर रहा, खुलेआम कर रहा। हमने बिस्कुट है। अंधा अंधा। अरे हम अंधा है साहब, क्या उल्टा जमाना आ गया है। अरे खाना भी खाया, उल्टा पैसा भी मांगता है। सेठ यार, तुम तो देखता था ना, इसने पैसा नहीं दिया है। यार तुम दूसरे के पजामे मेरी टांग काहे को घसेड़ रहे हो? ए भाई, झगड़े में तुम्हें भूल मत जाना कि मैंने तुमको 100 रुपए का नोट दिया था। सेठ, ओ सेठ, मैंने पैसा दिया था याद है ना? 30 रुपए खाने का, 70 रुपए वापिस लेने का है, याद है ना? मैंने पैसा दिया था, याद है ना? हवलदार भी है, याद है ना? लेकिन इसने नहीं दिया है। फिकर काहे को करता है सेठ यार? देखिए, पैसा तुम्हारा किधर जा सकता है? मैं हूँ हवलदार, है पैसा तो ऐसा मिलेगा। ए हवलदार, जरा पैसा देने बोलना। ए सेठ, इसका पैसा दो। यारो पैसा दो। अरे तुम तो ना यार, मैं पैमान है। रिक्शा पकड़ना तू। ए माफ करना। अरे रिक्शा तो मैं रोक देगा, ये लो पैसा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेगा। अबे छोड़। अरे सुनो, अरे मैं भी पैसा लेकर आया हूं। अरे सेठ, क्या लगा यार, जरा जरा सी बात पे लड़ाई कर दो। कितना पैसा है तुम्हारा? अरे यार 2500 रुपया। अरे तो हमसे मांगो यार, हम देता है। सलाम, दुनिया में इंसाफ करने को पैदा हुआ है। ये लो, मेहरबानी। तुम्हारा कितना है? 5 रुपया। ये लो, चल मुकाला कर। चल। हाँ जी हाँ जी। हेलो हेलो, क्या सेठ इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा। झूले लाल झूले लाल। 2-4 और किधर से पैदा होएगा? सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के छोले देखा है? रामगढ़ के छोले? हाँ देखा देखा। क्या था उसके अंदर? सब डुप्लीकेट। अपना डुप्लीकेट था? नहीं बिल्कुल नहीं था। बन भी नहीं सकता है, सिंगल पीस। तो खुश? खुश। तो फिर इसी बात पे कुछ बिस्किट देने यार। बिस्कुट? दुकान खाली करो मेरी, लियो बिस्कुट लियो।
क्या कंजूस आदमी? कंजूस? एक केक दो ना। केक? सड़ा हुआ है। अच्छा? तो दो देना। हाय। अरे राम। लो, फिर भीख मांग रहा है। ये भिखारी की औलाद मानेगा नहीं। अबे यार। ये कटोरा किसने हाथ में दे दिया? अरे बहुत तगड़ा सेठ आया है, बहुत माल बनेगा, जल्दी कपड़े पहनकर ऑफिस में बैठ जा। तो तेरे कपड़े? अरे मेरे ही कपड़े गिरवी रख के तो दोपहर का खाना खाया था हम दोनों ने। क्या बात करते हैं? मेरे कपड़े हैं ना? वो रे वो रे, पहन लो। मगर तुम मुझे संभाल लेना। अपनी याददाश्त संभाल लेना मेरे बाप। यार मेरी याददाश्त ठीक है, तू खामोखा मेरे गले पड़ता है। मेरी याददाश्त कभी गई आज तक? सुबह से 6 बार खाना खा चुका है। क्या बात करते हैं? फिर भूल गए कपड़े। कपड़े? तू किधर जाएगा? मैं जाता हूँ टीवी के पीछे। और बोलेगा किधर से? अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, नागालैंड। बस बस इतना ज्यादा बंडल मत। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी कपड़े पहन यार, वो साले आ रहे हैं। आइए सर, आइए, प्लीज वेलकम। आप घबरा बहुत रहे हैं। नहीं नहीं, अभी अभी एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। नहीं नहीं, वो औरत नहीं चिल्ला रही थी, वो हमारे घर की घंटी की आवाज है। क्या? जी हाँ, आइए। यस, जरा जल्दी कीजिए सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पूरी दुनिया की जासूसी करनी पड़ती है, आपको यकीन नहीं आता। ये देखिए, कम इन। हाय बॉस। हाय। This is America. Yes, this is India. President George Bush has not been able to come and visit India. Why? Because he's not feeling well. His stomach is bad. Oh. Unke pet mein kafi dard hai. Give him my regards. I will send your regards to him. Okay. And bye. See you. Bye. ये कौन था? ये मेरा पार्टनर है, मेरे साथ अमेरिका से बात कर रहा था। ओहो, हम लोग फोन से नहीं डायरेक्ट बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में चांद पर जाने वाला है, सैटेलाइट पर डायरेक्ट बात करेंगे। देखा, मैंने कहता था बहुत बड़े जासूस है ये। उससे भी बड़े हैं हम लोग। तो ये आपकी बेटी का केस है? ये मेरी बेटी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ कम उम्र है, आपकी पोती है। अरे यार मेरी पोती नहीं है ये। अच्छा, उससे भी छोटी है, मतलब पड़ पोती है, इन्हें बेटी की बेटी की बेटी। अरे क्या गुड़ गोबर कर रहा है यार, ये मेरी पत्नी है। क्या? हाँ। यस। क्या? ओ हाँ, ये आपकी चाची है, फरमाइए। अरे यार मेरी चाची नहीं है ये। यस मालूम है। मैं आपके पास खास काम से आया हूँ कि ये बहुत गरीब खानदान से हैं। जहर बात है, गरीब खानदान से न होती तो बकरी किसी गेंडे से शादी कैसे कर सकती थी। क्या? नहीं, ऐसी मुंह से निकल के आप बोलिए फिर। मेरी समस्या ये है कि इसका एक 60 साल का भाई है। कितने बरस का? हाँ। ये तो भेजा उड़ जाएगा। इसका भाई 60 बरस का है। इसकी उम्र? 18 साल की। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, उसमें ऐसा है ना कि इसके बाप ने पहले एक विधवा के साथ शादी की थी। उस विधवा को अपने पहले पति से एक लड़का था, उसकी उम्र काफी थी, इसके बाप से 2 साल कम है। बेटे की उम्र खाली 2 साल का फर्क है। अरे इसकी माँ के साथ जब शादी की ना, हाँ। इसके बाप ने, तो उसकी उम्र थी 20 साल की, हाँ। 2 साल के बाद ये पैदा हुई, हाँ। हाँ? तो इसकी उम्र हुई 18 साल की, हाँ। माँ की 40 की और भाई की 60 बरस की। ये कौन सा खानदान है यार, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी के सर पे घास उगी हो, घास पे बल्ब लगा हो और बल्ब में से नल का पानी निकल रहा हो। सर। यस। अरे इसको संभालिए, ये अजीब सा केस लाया है। क्या केस है? इसका भाई इसकी शादी मेरे साथ तय करके भाग गया। क्या? भाई की उम्र क्या थी? 60 बरस। बताओ, इसकी उम्र 18 साल की, इसके भाई की उम्र 60 साल की, इतना बड़ा गैप। मरा नहीं वो तुम्हारा 60 साल वाला? नहीं नहीं, जिंदा है। जिंदा है। क्या किया उसने? लालच में आके चोरी करके भाग गया घर से। चोरी? हाँ। क्या चोरी किया? 500 रुपए की। 500? मारू सर? नहीं मारना नहीं, मारना नहीं, कुछ और भी होगा। हाँ, उसके साथ जेवरात लेके गया है। बहुत बड़ा केस है। पहली मर्द इतना बड़ा केस है, बहुत सारे जेवर होंगे। नहीं, बहुत सारे जेवर है। सोने के होंगे? नहीं जी। प्लैटिनम? नहीं जी। डायमंड? नहीं यार। तो फिर पीतल के थे। यस। पहचाना, आप पीतल के? अरे मैं पीतल का नहीं, मेरे जेवरात पीतल के थे। अरे सर आ रही, क्या बकवास की? अरे क्या बकवास कर रहा है, इतना हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है पीतल के जेवरों के लिए? ये तो टीवी से बाहर आ गया। अरे ऐसा सड़ा हुआ केस देखकर तो मुर्दा कब्र से बाहर आ जाएगा, ये तो खाली टेलीविजन से बाहर है। मारू? मारा नहीं, मारा नहीं, चलो उठो भागे से। नहीं नहीं सर, एक मिनट, बुक ले लेना तो एडवांस, कुछ एडवांस तो निकालो, हम केस सॉल्व कर देंगे, पैसा निकालो। केस सॉल्व होने के बाद मैं आपको आधा पैसा दूंगा। केस सॉल्व करेंगे तो जाके हमको आधा पैसा देंगे, तो बाकी आधा कभी देंगे?
दूसरा केस लाऊंगा ना तब दूंगा। उठ उठ तेरी उठ उठ चलो चलो जासूस हटो कोई पागल है चलो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर नाडकर्णी। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे किधर पुलिस स्टेशन वायर कटा हुआ है। अच्छा अरे बोला। हाँ इंस्पेक्टर साहब लग गया लग गया लग गया। ये कंट्री में कुछ भी हो सकता है। वायर कटा फिर भी फोन लग गया।